अपना नाम मत लिखवाया करो यार, थोड़ा अजीब लगता है। अब गाड़ी चल रही है सामने, राहुल, हाँ भाई लग गया बता, राहुल है, इट्स फाइन, लिखवा लिया नंबर प्लेट पे, राहुल, सोनू। बस कोई अगर हार्दिक लिखवा ले और हर्षित लिखवा ले तो गलत लगता है भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शरीर दुख रहा है फुल, पता लगा कल जिम करी है, बहुत ज्यादा जिम करा, अब ऐसा चक्कर है भाई की, ये नहीं जिम करके दुख रहा है शरीर बहुत ज्यादा। अभी बजे है 4, एंड अभी हम जा रहे हैं काम के लिए वैंकूवर। सो वैंकूवर पहुंचते हैं, काम करते हैं, एंड देन रात को करेंगे जिम। जिम जरूर जाएंगे रात को भी, थोड़ी देर कम काम कर लेंगे बट जिम जरूर जाना है। सो आज पहले काम करने चलते हैं वैंकूवर। मस्टैंगो की मॉर्निंग लुक चेक करो, सुंदर एज यूजुअल, कोल्ड स्टार्ट, थोड़ी सी शोर, आज मौसम बहुत अच्छा है, ठंड भी नहीं है, बस लेट्स होप जाम भी ना हो। वैसे वहां तो दिख रहा है, आई होप अपनी साइड जाम ना हो जहां से अपन ने जाना है। बॉडी इतनी ज्यादा ना स्टिफ हो गई है कि ये बैग उठाते हुए ऐसे लग रहा है 50 किलो का कोई डंबल उठा रहा हूँ, मतलब अकड़ रही है शरीर इतना ज्यादा। फर्स्ट और सेकेंड थर्ड डे तक थोड़ा सा रहेगा ये पेन, सो आज सेकेंड डे है इसलिए चल रहा है, बट इस वजह से आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये पेन हमेशा होगा जब भी स्टार्ट करोगे जिम। जो जिम करते हैं उनको पता ही है जिन्होंने अभी स्टार्ट करी होगी। भाई एक सुंदर सी प्लेस दिखाऊं तुम्हें, रुको डाउनटाउन की बहुत ही प्यारी जगह है वो, देखो वाटरमेलन साइंस वर्ल्ड है ये वैंकूवर डाउनटाउन का, बहुत सुंदर लगता है और इसके कलर्स चेंज होते रहते हैं अभी के लिए ये, एंड बदलते रहते हैं ऐसे नहीं कि दिन दिन में, सेम डे भी बदलते रहते हैं, एंड लाइट्स भी फ्लक्चुएट होती रहती है। अभी हम सेंटर ऑफ डाउनटाउन है तो डाउनटाउन चेक करो कितना प्यारा लग रहा है, वेरी सुंदर राइट, अति सुंदर। भाई लोग तुम्हारा भाई आया अभी पापा जॉन्स पिज़्ज़ा, इस रेस्टोरेंट में तुम्हारा भाई पहले काम करता था, डिलीवरी जॉब करता था मैं, डिलीवरी ड्राइवर्स, और जैसे इन्होंने लगाया ना ऐसे अपनी मस्टैंगो पे लगाता था, शीशे पे लगाता था ऐसे कड़क कड़क करके, बहुत सेक बढ़िया बढ़िया सी चीज़ थी, मज़ा आता था यहाँ काम करके भी। गुड डेज, ये देखो ऐसे लगाता है, आज उठाते हैं यहाँ से ऑर्डर। अब ऑनर तो अपने को जानता तो है ही ऑब्वियसली, देखते हैं कैसा सा फील होता है दोबारा मिल के भाई से, लेट्स गो। टर्किश है, इंडियन नहीं है। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा मिलके, बहुत देर बात कर ली, 5-7 मिनट में वहीं खड़ के बात करा था क्योंकि एयरबीएनबी बिजनेस के बारे में पूछ रहा था, वो एक भाई वहाँ पे काम करता था, मैनेजर है वो, तो हम साथ में डिलीवरीज करते थे तो उससे बात वगैरह करी, एंड वो इन स्टोर भी काम करता था तो वो पूछ रहा था एयरबीएनबी के बारे में, तो काफ़ी टाइम लगाया, मज़ा आया। बट ऐसे पुराने लोगों से मिलके ऐसे सेम जगह नॉस्टैल्जिया ऐसा फील होता है कि अरे हाँ यहाँ पे ये मैं भी कर रहा था, बट इट वाज गुड। मैं बहुत जगह काम किया, तुम सोचो कि पहले सबवे पे भी आप यही कह रहे थे, यहाँ भी कहते रहते हो, यहाँ बहुत जगह काम किया मैंने भाई, मैंने सिर्फ एक्सप्लोर ही किया, मैं एक जगह रुका नहीं, कहीं ना रुकना चाहता मैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स ट्राई करता रहता हूँ और बढ़िया लगता है कि पता है सब चीज़ों का ना, हाँ मतलब सबका तो नहीं पता अभी भी, इसलिए और चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी, तब तक जब तक कुछ और नहीं मिलता न्यू ट्राई करने को, जैसा कुछ मैं चाहता हूँ तब तक आप ये कर रहे हैं, मजबूरी नहीं है बट मजबूरी भी है ही वैसे तो, बट लेकिन ठीक है कोई डिफरेंट मतलब काम तो मिल जाएगा, बट जैसा चाहिए वैसा मिलना चाहिए तब फायदा है, वरना फिर बदलना पड़ेगा या छोड़ या वो निकाल देंगे। तो अब तुम्हारे भाई ने उठाई है कॉफ़ी, क्योंकि ज़िंदगी में कैफीन बहुत ज़रूरी है एक्टिव रहने के लिए, और जितना मेरे को लेजी बना थकावट फील हो रही है कल की वजह से, उसको जगाने के लिए कम से कम मेरे को 2 कॉफ़ी चाहिए होंगी क्योंकि रात को जिम जरूर जाना है। 10:20 हुई है एंड अभी हमें है कम से कम 2-3 घंटे, तो उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, उसके बाद जिम के लिए भी चाहिए, तो मे भी कभी कॉफ़ी और पीनी पड़ सकती है रात को जागर। तो तुम्हारे भाई ने उठाया थोड़ा सा सब्वे, मतलब ये साइड ठीक है, सस्ता सुंदर टिका, मतलब सस्ता तो नहीं है ज़्यादा, ये साइज़ के हिसाब से तो महंगा ही है, बट थोड़ा सा खाने का मन है भी क्योंकि खाया नहीं है सुबह से, सिर्फ मैंने एक छोले चावल खाए थे तो कैलोरी डेफिसिट हो जाता है, एंड कॉफ़ी एक पी ले, कॉफ़ी एक और पियेंगे जाते हुए, थोड़ा सा चाहिए कैफीन और, तो ये खाते हैं, बहुत सही चीज़ है, साथ में पैटी आ जाती है एंड ब्रेड भी हो गया, कार्ब्स हो कार्ब्स प्रोटीन वेज ही सब है, फाइबर्स भी हैं, सो अब हम जिम के। तो अब नए नए जिम फ्रिक बने हैं तो थोड़ा सोच के तो खाना ही पड़ेगा ना, ये तो बहुत दिक्कत है जिम की, पर ठीक है इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ज़्यादा, बस ये है कि जब बाहर होते हैं तो कुछ मिलता नहीं, घर पे तो चलो बंदा कर लेता है, एग्स हो गए, चिकन हो गया, वेज हो गया, प्रोटीन हो गया, सब है, बाहर बहुत दिक्कत होती है कि हेल्दी ढूंढो, वरना यहाँ पिज़्ज़ा बर्गर ही मिलते हैं, फिर सैंडविच टाइप उठाया मैंने। तो भाई लोग टाइम बच गए हैं, टाइम हो गया 2:45 और ऐसा लग रहा है अपना वैंकूवर बर्न भी, और अब आप जा रहे हैं घर की साइड, आओ गाड़ी में बैठे फिर बात करते हैं, बट ठंड बहुत है यार। तो 2:45 हो गई है एंड थकावट ही बहुत हो रही है, तो जिम तुम्हें क्या लगा, नहीं जाऊंगा,
तुम्हारा भाई जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो, बेशक रात के 3 बजे हो चाहे सुबह के 4, चाहे रात के 4, जाएंगे जरूर हम जिम। ऐसा अभी तक मैं अपने आप को बोलता रहा हूँ, तुम भी मेरे को बोलते रहना। आफ्टर ऑल आई एम अ कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉन की एक परेड होता है, दे विल गो 10 miles आफ्टर एवरीबडी गिव्स अप। तो चलो जैसे हम हैं वैसे बने और चले जिम। अभी एक ऑर्डर हो रहा है तो वो डिलीवर करके चलेंगे, पर जिम जाएंगे हम जाएंगे। तो भाइयों एक बात बोलनी थी, गालियां मत देना तुमको। मैंने भी बोला था मैं जिम जा रहा हूँ यहाँ से सीधा, तो ये थोड़ा सा चेंज है इस प्लान में। मैं अभी घर जा रहा हूँ। क्यों घर जा रहा हूँ? क्योंकि यार थकावट तो हो जाती है ना इतना काम करने के बाद। ऐसा तुम सोचोगे मैं बोलूँगा, बट मैं बोल तो ये रहा हूँ कि हाँ मैं घर जा रहा हूँ, बट थकावट वाली बात नहीं है, एयरपोर्ट उठाने हैं। घर जाएंगे एयरपोर्ट उठाएंगे एंड देन फिर जिम जाएंगे। जिम जरूर जाएंगे, जिम नहीं छोड़ेंगे हम। एक बारी कोई चीज ठान ली तो करके खत्म होंगे। अब लेट्स गो। आज का थॉट ऑफ द डे बताओ क्या बनता है इस बात पे, मैं बताता हूँ। वी डोंट क्विट व्हेन वी आर टायर्ड, वी क्विट व्हेन वी आर डन। लेट्स गो। संदीप माहेश्वरी 2.0 कह लो मेरे को। सबसे कंपेयर कर लो, सब सक्सेसफुल बंदों से कंपेयर कर लेते हो तुम मेरे को साथ साथ, देखा है मैंने। चलो कोई निकल लो, सक्सेसफुल तो समझ रहे हो ना, बहुत है। तो 20 मिनट की ड्राइव रह गई है, एंड मेरे को भी अभी याद आया कि थोड़ी देर पहले ना जब मैं घर पे बात कर रहा था तो मेरे को एक भाई मिला था, उसका नाम मेरे को भाई का अच्छे से याद नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा सा मैं भूल गया। उस टाइम मैं घर पे बात कर रहा था तो थोड़ा मिक्स एंड मैच हो गया, बट भाई ने मेरे से नंबर प्लेट के बारे में पूछा था कि भाई कोई सजेशन दे दो। भाई ने वीडियोज देखी थी तो भाई ने मेरे से पूछा कि भाई नंबर प्लेट का कोई सजेशन दे दो। तो भाई मेरे को एक चीज़ आई दिमाग में कि आप ना भाई कोई जो भी आपका गाना है सबसे बेस्ट और रिलेटेबल लगे ना अपनी ज़िंदगी से, उस नंबर नाम की गाने के नाम की ले लो। कि मैं भी पहले वैसे ही गाने ढूंढ रहा था और फिर ट्रेंडिंग पे मन आ गया तो मैंने कहा ट्रेंडिंग ले लेते हैं, बट कोई भी गाना अगर बाद में ऐसे आप कहना कि हाँ इससे मैं सबसे रिलेट कर सकता हूँ तो गाने की ले लो। अगर गाने सारे ही सुनते हैं सबको अच्छे लगते हैं और नंबर प्लेट जचती है अपने आप, क्योंकि ऑलरेडी इंसान को उन्होंने वो पढ़ सुना होता बहुत बार। डोंट लुक ले लो, डोंट वरी ले लो, डोंट वरी तो कोई गाना नहीं है। नो लुक, सॉरी नो नीड, डोंट लुक ले लो, नो नीड ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब वैसे अपने हिसाब से ले लो, हसलिंग ले लो, सेल्फ मेड ले लो। तो एक सजेशन था बाकी जनता के लिए भी, बस भाई अपने नाम क्यों मत लेना। अब अपना नाम हो ऐसे मैं भी लिखवा लूँ पीयूष, भाई नेम नंबर प्लेट है, नेम प्लेट थोड़ी है, घर के बाहर थोड़ी लिखवाना है, थोड़ा सा ऐसे सोच लेना बस सबके लिए, बाकी सबके लिए। भाई तो नहीं लिखवाएगा मेरे को लगता है, भाई से इतनी तो उम्मीद है मेरे को भाई को, बाकी और कोई अपना नाम मत लिखवाया करो यार, थोड़ा अजीब लगता है। अब गाड़ी चल रही है सामने, राहुल, हाँ भाई लग गया पता राहुल है, इट्स फाइन, लिखवा लिया नंबर प्लेट पे राहुल सोनू। बाकी जो मर्जी लिखवाए बाकी अपना नाम तब सही लगता है, बस कोई अगर हार्दिक लिखवा ले और हर्षित लिखवा ले तो गलत लगता है भाई। ऐसे नाम तो बिल्कुल मत लिखवा रहा, बहुत अजीब लगेगा, समझ गया ना तुम, समझ गए, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो। भाई मैं गाड़ी भी स्टार्ट छोड़ के जा रहा हूँ कि इन केस भी गलती से मैं अंदर ना रह जाऊँ, इसको मैं पूरी रात स्टार्ट नहीं रखूँगा मेरे को पता है, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। तो मैं गाड़ी स्टार्ट छोड़ के जा रहा हूँ कि 2 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी वापस आएंगे। अरे इतना उजाला रात को 3 बजे, इन दोनों को सोता देख के पता कितनी टेम्पटेशन हुई थी मेरे को कि मैं भी सो जाऊँ सोने की, और कोई नहीं, बहुत ज़्यादा नींद वाली हो रही थी, मैं सो जाता हूँ नहीं, इसलिए मैं भागा भागा आया हूँ, भागा भागा निकला हूँ, गाड़ी स्टार्ट रखनी काम आ गई। चलो लेट्स गो। तो ये देख ले ड्रामेबाज, मेरे को लगा सो रहा है, मैंने दरवाजा खोला ऐसे पड़ा हुआ लाश की तरह, मैं कहा गया हुआ है तो गया भागा, इसको नहीं प्रसाद करते घर में नंगे यार खड़ा है, भाई इसने मेरे को डरा दिया, भागा है बिजुआ करता हुआ। जल्दी बता चलना है, ठंड लग जाएगी तेरे को, जल्दी बता चलने आ रहा हूं मैं, 3:30 बजे जिम जाएगा। अरे वाह चल फिर जल्दी मेरे को गाड़ी, भाई टाइम मत लगा, टाइम मत लगा, जल्दी आ, कॉफी पिलाता हूं मेरे को सुबह सुबह, जल्दी कर। ये देख लो ये भागा गया, ये भागा गया, नंगे पैर भाग रहे हैं रात को 3:30 बजे बर्फ पे कह लो, फर्श पे, रोड पे। आंटी समझाओ इसको। और पता नहीं तब क्यों नहीं उठा, तब ड्रामे कर रहा था कि मैं इसको उठाऊंगा, ड्रामे कर रहा था। आर्नोल्ड और आर्नोल्ड के लड़के के बाद इसमें और मेरे में ही है वो जिगरा, क्यों मोटे। आर्नोल्ड के बाद डेडिकेशन अपने में ही है, रात को 3:30 ये वो वाला टाइम है, शिवम के बाद हम आ गए, शिवम कौन है, ये वो वाला टाइम है भाई, 3:30 है ना, इधर लेजेंड्स गो टू स्लीप और इधर लेजेंड्स वेक अप, और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, और तू उठ गया क्या, सोया नहीं है तू भाई, सोया ही नहीं था। तो बस फिर आप भाई यार लेजेंड्स डोंट स्लीप वाले, 5 बजे उठ नहीं सकते हो पर 5 बजे तक जा सकते हैं, इसका जागने का रीजन कुछ और था बस।
लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर है, लड़कियों का। तो अभी मैकडॉनल्ड से कॉफी उठा के आए आप, प्लैनेट फिटनेस, थोड़ा सा कैफीन और चाहिए था, यू नो। अब अंदर जाएंगे, कॉफी पियेंगे, साथ में पानी पियेंगे, बाकी क्योंकि अभी हमने वर्कआउट और प्रोटीन वगैरह लेना शुरू नहीं किया। बाकी मैं BCAA लिया करता था, वो मेरा एक्सपायर्ड हो चुका है, इसलिए मेरे को नया लेना है। सो अभी चलते हैं ये भी अंदर, लेट्स गो। और थोड़ी सी हवाबाजी में हमने कन्वर्ट भी करी ली थी। तो जैकेट्स वगैरह उतारी है एंड सामान रखा अंदर। और गर्वित के एयरपोर्ट चार्ज ही नहीं है, तो मानव के केस में चार्ज हो रहे हैं। इतने 5-10 मिनट स्ट्रेचिंग करते हैं इधर ही, बाइसेप्स, हम बाहर ही चलते हैं, चल फिर आ जा। तो वही सेम एक्सरसाइज करने वाला हूँ मैं जो मैंने कल वाले ब्लॉग में करी, अगर नहीं देखी तो जाके देख लो। तो आज मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, और फिर वैसे ब्लॉग भी लंबा हो जाता है, ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता मेरे को खुद देखने में और दिखाने में। तो बता देना कितना वर्कआउट चाहिए, कैसा चाहिए, यहाँ पर आवाज़ भी पूरी नहीं आती एक तो ढंग से। तो वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, आ जाओ भाई। पूरे 5 हो गई, 4:46, 5 एक्सरसाइज हो गई हैं अभी। 6th करने से पहले मेरे को चक्कर जैसा फील हो रहा है, क्योंकि सुबह से कैलोरी डेफिसिट चल रहा है। आखिरी एक्सरसाइज करके लेंगे, फिर भी चक्कर आने जैसा हो रहा है, चक्कर आए नहीं अभी, मानव लेके जाने को घर। तुम्हारे भाई को 12-13 घंटे हो गए घर से निकले हुए काम करते हुए, और अभी भी तुम्हारा भाई देख लो, काम तो नहीं चला, जिम कर रहा। और आज भी मैंने एक भी एक्सरसाइज कम नहीं करी, बल्कि प्लैंक 4 मिनट का किया है। वैसे मैं 1 मिनट का कर रहा था, 1.5 मिनट का कर रहा था, और 4 मिनट कैसे डेड करके 1 मिनट, 3 सेट लगाए हैं। अभी मैं रनिंग करने की हिम्मत थोड़ी सी रख रहा हूँ, वॉकिंग कर लेंगे, जॉगिंग कर लेंगे, बट एक बार ट्रेडमिल पे तो चढ़ेंगे 5 मिनट, बाकी सारा डन हो गया। तो भाई डन हो गया बिल्कुल सारा काम करके, अपना रनिंग भी हो गया, अब सिर्फ घर जाके नहाना है, खाना है एंड सोना है। और ये टाइम कब हुआ है अभी, ये देखो 79 मिनट्स का वर्कआउट हुआ अपना, ये पुशअप के बाद स्टार्ट की मैंने, तो 5 मिनट की सुबह की, और अभी तक हम सोए नहीं है। तो भाई तुम्हारे भाई का ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, बहुत सारी कार्ब्स, प्रोटीन, थोड़ा से दही एंड साथ में फाइबर्स के लिए प्याज, बेस्ट मील है ये, इंडियन खाना, ये अच्छे से अच्छा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। और भाई सुबह के 6 बज चुके हैं एंड मैंने अपनी पूरी मील खुद बनाई तो नहीं है, छोले पहले से पड़े थे, बट अगर ना पड़े होते तो मैं कुछ बनाता ही। और 10 घंटे काम करने के बाद तुम्हारा भाई जिम गया है, मैं ऐसे अपनी हवाबाजी में नहीं बता रहा, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं 10 घंटे काम करने के बाद खुद की मील प्रेप करने के बाद एक तरीके से, चलो ब्रेड तो गर्म करी, नहाया धोया, 14 घंटे एक्टिव रहने के बाद 6 घंटे की नींद पे अगर मैं जिम जा सकता हूँ तो तुम भी जा सकते हो। तो मोटिवेशन की तरह लो, जाओ अगर जाना चाहते हो, सोच रखा है तो जाओ, एंड मेरे को टैग करना कि भाई आपकी मोटिवेशन की वजह से एक अगर इंसान भी अगर जाता है जिम तो मुझे अच्छा लगेगा। सो वीडियो को एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सोना है, कल सुबह उठना है, फिर दोबारा जिम जाना है, 6-7 घंटे बाद मैं जिम ही हूँ देखना, क्योंकि 6 घंटे की नींद एंड उसके बाद जिम जाना है, क्योंकि शाम को कुछ प्लान है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू ऑल, बाय बाय।